इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन चल रहा था, लास्ट टाइम हमने डायोड के बारे में डिस्कस किया था, तो जो इसमें हमने टाइप्स ऑफ डायोड पढ़े थे उसमें मैंने टाइप्स ऑफ डायोड में बताया था आपको, पीएन डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और लाइट डिपेंडेंट डायोड यानी कि एलडीआर। तो इसमें से सबके फंक्शंस मैंने साथ साथ आपको बता दिए थे। उसके बाद जो हमारा मेन सीखना है वो टाइप्स ऑफ डायोड में, एक तो पहला हम पढ़ेंगे पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, और उसके बाद एक और हम स्टडी करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में, एलईडी के बारे में। ये दो टाइप की स्टडी करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि मोस्टली जो बाकी डायोड्स लिखे थे वो इलेक्ट्रिकल में उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि ये है, तो हमें इनके बारे में स्टडी करना ज्यादा कंपलसरी है। स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड की हम बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड का इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा पढ़ना, क्योंकि जितने भी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यूज होने हैं वो मोस्टली पीएन डायोड से होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीएन डायोड का जो फंक्शन होता है वो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड का जो मेन पर्पस है वो है रेक्टिफिकेशन। पीएन जंक्शन डायोड को हम पीएन संधि भी कहते हैं हिंदी में, पीएन संधि डायोड, जंक्शन का मतलब संधि। तो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का मतलब कि ये जब इसको हम करंट या वोल्टेज सेंसिटिव कराएंगे तो ये वन डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा। अगर इसको मैं पॉजिटिव फॉलो कराऊंगा तो ये पॉजिटिव फ्लो करेगा, अगर मैं इसको नेगेटिव फ्लो कराऊंगा तो ये आगे नेगेटिव भी पास करेगा। इसका मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में कार्य करने वाला। वो आपको जब हम रेक्टिफायर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कंडक्ट कर रहा है एक ही डायरेक्शन। इसका जो डायोड बेसिकली हमारा जो दिखता है वो ब्लैक कलर का होता है ऐसा, उस पे एक लाइन सी बनी रहती है। तो इस नॉर्मल डायोड से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दियर टर्मिनल्स, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, इस डायोड पर एक रिंग सी बनी हुई रहती है, ये रिंग जो होती है वो सिल्वर कोटेड होती है, सिल्वर कोटेड रिंग। ये तो रिंग बनी होती है, ये चांदी की परत की बनी होती है। तो जिस दिशा में ये रिंग बनी हुई है वो वाला हिस्सा जो है हमारा वो नेगेटिव होता है। अगर एक हिस्सा हमें पता चल गया कि वो नेगेटिव हिस्सा है तो अदर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, अदर दूसरा वाला जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये तो इसका था कि डायोड मेन ऐसा दिखता है। अब हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव वाला एनोड और ये कैथोड नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे डायोड में एक सिंबल होता है, हर डायोड का एक सिंबल होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसा नजर आता है। इसमें डायोड में ये लाइन सी बनी रहती है, हमेशा याद रखना है कि ये लाइन वाली जो सिंबल है वो नेगेटिव शो कर रही है और
दूसरा जो टर्मिनल बचा हुआ है वो हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसमें यही मेन चीज है और मोस्टली यही पूछा जाता है। तो डायोड की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होगी कि डायोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहलाता है। डायोड में टू लेयर यानी कि पी और एन टू टाइप में डिवाइड होते हैं। अगर मैं नॉर्मली डायोड को ऐसे बनाऊं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, पी और एन, ये दो लेयर होंगे उसमें, टू लेयर्स, वन जंक्शन। जंक्शन का मतलब ये जो पहले मैंने आपको डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर के बारे में बताया था, तो वो जो डिवाइड करता है टू लेयर्स को वो जंक्शन कहलाता है। तो पीएन डायोड में हमारा वन जंक्शन होता है, टू लेयर्स होते हैं पी और एन, और टू टर्मिनल्स होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मेन क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि किस डिवाइस में कितने टर्मिनल होने हैं और कितने उसमें जंक्शन होने हैं, कैसे वो वर्क करेगा। तो ये पीएन डायोड का सारा जो है स्टोरी है, कितना कैसे है क्या है, अभी इसकी वर्किंग में आपको बताऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमारे पास जो ये पीएन डायोड होता है ब्लैक कलर का छोटा सा, इस डायोड में कुछ नोटिफिकेशंस लिखे हुए रहते हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस लिखा होता है बी वाई वन एन फोर जीरो जीरो सेवन। तो इसमें पूछा जाता है कि ये जो वन एन लिखा हुआ है इस वन एन का क्या मीनिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी डायोड हैं या ट्रांजिस्टर्स हैं उन सब में नोटिफिकेशंस गिवन होती है और उस नोटिफिकेशंस का कुछ ना कुछ मतलब होता है। यहाँ पे वन एन का मतलब है कि इस डायोड में एक ही जंक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो कोडिंग दे रखी है, ये हमारे पास जो बी गिवन है उस बी का मतलब है जर्नल डायोड, वाई का मतलब है रेक्टिफिकेशन, बी का मतलब है जर्नल पर्पस डायोड, y का मतलब है रेक्टिफिकेशन, 1n का मतलब है कि इस डायोड में सिर्फ एक ही जंक्शन है, और ये 4007 का मतलब है इसकी ये कुछ कंपनी की कोडिंग्स होगी या फर्दर माइक्रो प्रोसेसर में इसका कुछ यूज होगा, तो हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1n इनसाइड द डायोड, तो इट इज द नंबर ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इनसाइड द डायोड, ये जंक्शन की संख्या को प्रदर्शित करना है कि कितने जंक्शन डायोड में प्रेजेंट है। अब आगे बात करते हैं, पहले हम एलईडी की बात कर लेते हैं, बायसिंग की बात करते हैं। हमने पीएन डायोड पढ़ा, उस पीएन डायोड का जो बायसिंग है वो मेन सिरा है, सारा काम उसी से होना है। तो पहले हम समझते हैं ये बायसिंग है क्या। बायसिंग जब हम डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब डायोड को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बायसिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बायसिंग जो है ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं डायोड के केस में, जिसे जैसे कि हमारे पास ये बायसिंग टू टाइप्स के हैं, एक होगा फॉरवर्ड बायस और एक होगा रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो या वाइवा रिलेटेड हो, तो उसमें पूछा जाता है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस क्या है। और हम इस बायसिंग के बाद ही समझ पाएंगे जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है जनरली कैसे वर्क करता है। तो बायसिंग में हम समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि हम जब सेमीकंडक्टर डिवाइस को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उनमें हाई फ्रीक्वेंसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स जब पास होते हैं तो होल क्रिएट होता है, और जब होल्स इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करते हैं उसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें चलता रहता है। तो वो हम समझते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। बायसिंग की बात कर रहे हैं जनरल पर्पस डायोड की,
तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग को हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनति और रिवर्स बायसिंग को हिंदी में कहते हैं विपरीत अभिनति। सीधी सी बात है, हमें बायसिंग का मतलब पता है कि बायसिंग का मतलब होता है कि डायोड को बैटरी से कनेक्ट करना। तो अब आप फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब ऐसे समझो कि बस इसमें बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी है और बायसिंग हमको समझ में आ गई। फॉरवर्ड बायसिंग में एक चीज याद रखनी है कि जब हम पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव देंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरवर्ड बायस। क्यों फॉरवर्ड बायस का मतलब कि जो पोलैरिटी है उसमें वही पोलैरिटी देनी है। हमारे पास डायोड में दो लेयर है, पी टाइप और एन टाइप। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस पहले हम समझते हैं क्या होता है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की, तो पी कॉम ने पॉजिटिव दे रखा है, एन कॉम ने नेगेटिव दे रखा है। अब एक लेयर में होल्स है, एक लेयर में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पॉजिटिव वाला, जब इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा, सिंपल प्रॉपर्टी है चार्ज की कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल होते हैं और अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इसको फोर्स करेगा इधर आने के लिए, ये इसको फोर्स करेगा उधर जाने के लिए। तो इनकी जो डिप्लेशन विड्थ होगी वो डिप्लेशन विड्थ दोनों साइड से फोर्स कंप्रेस होने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका कि डिफ्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड बायस विद डायोड इस इंक्रीज और डिक्रीज, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब आपको याद रह जाएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है डिक्रीज होती है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या और दूसरे में। एक और बात, इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, किसके कारण? इसी कारण, क्योंकि उनका जो ये रिपल्सन हो रहा है उस कारण उसका जो डिप्लेशन लेयर जैसे जैसे घटेगा वो उसका रेजिस्टेंस कम होता चले जाएगा, और कम रेजिस्टेंस के कारण ही जो है आई करंट फ्लो हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी है, हमें पता है। तो ये तीन पॉइंट याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस कहते किसे है, इसमें रेजिस्टेंस लो हो जाता है और हाई करंट फ्लो होता है और डिप्लेशन विड्थ इसकी डिक्रीज होती है। इसी कारण हम मोस्टली फॉरवर्ड बायसिंग में ही डायोड को यूज करवाते हैं। हम कुछ डायोड्स को रिवर्स में भी यूज करते हैं, करेंगे डिस्कस। रिवर्स बायस को समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बायसिंग में बैटरी से कनेक्शन देना है, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी हमारी रहेगी वो पॉजिटिव को मैं दूंगा नेगेटिव और नेगेटिव को दूंगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल्स है, होल्स के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है नेगेटिव। याद रहे कि बिफोर बायसिंग और आफ्टर बायसिंग, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो होल्स होगा वो उस साइड भागेगा। अब जरा इसको समझते हैं, स्लाइड आएगा। तो ये वाला जो होल्स है ये भागेगा इस तरफ, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अट्रैक्ट होगा इस साइड। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो डिप्लेशन विड्थ है इसकी, ये हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ड्यू टू द डिप्लेशन विड्थ हमें इलेक्ट्रॉन को होल्स में जंप कराने में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत होगी, और जो कि हम नहीं दे सकते। अगर हमने इसको जरूरत से ज्यादा एनर्जी दे दी तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे लो करंट हो गया। लो करंट क्यों हुआ? क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ने की वजह से उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो गया। दो पॉइंट ये, रिवर्स वाइज में आपको पोलैरिटी मैंने बता दी। पोलैरिटी के बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो डिप्लेशन विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको मोस्टली यूज में नहीं लेते हैं। कुछ डायोड्स होते हैं जो रिवर्स बायस में ही वर्क करते हैं, जैसे कि जेवर डायोड, अभी हम इसके बाद बात करेंगे। तो याद रहे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं पीएन डायोड को रिवर्स बायस में वर्क कराता हूं तो क्या ये वर्क करेगा? हाँ वर्क करेगा, लेकिन कुछ वैल्यू तक इसको वोल्टेज पास कराते जाएंगे वर्क नहीं करेगा।
लेकिन एक उसका जो वोल्टेज का लिमिट ऐसा आ जाएगा जिसपे वो वर्क तो करेगा लेकिन इट विल बी बर्न आउट। वो क्या होगा, वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डायोड की कैपेसिटी उतने वोल्टेज को सहन करने की नहीं है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, पी आई वी। अभी मैं आपको जनरल डायोड में केस बताऊंगा जिसे हम कहते हैं पी इनवर्स वोल्टेज। पी इनवर्स वोल्टेज जिसका मतलब, पी मतलब जो उच्चतम मान, इनवर्स मतलब विपरीत अभिनति में, और वोल्टेज जितना हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपको जो है देख लेना है एक बार। फिर इसके आगे हम दूसरे बारे में बात करते हैं, दूसरे नाम के बारे में। ये आप एक बार नोट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल पर्पस डायोड के बारे में हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि जब वो डायोड परफॉर्म करेगा तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल कितना चाहिए, और जब वो नहीं वर्क करेगा, यानी दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड। तो उसमें हम एक फॉरवर्ड बायस में उसका मोस्टली यूज लेते हैं और रिवर्स में वो वर्क नहीं कर पाता, तो उसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में उसका मीनिंग है क्या। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल पर्पस डायोड में हम ने ग्राफ बनाया है करंट और वोल्टेज के बीच। जनरली इसका ग्राफ होता है, ऐसे आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जर्मेनियम का 0.3 है और सिलिकॉन का 0.7। क्या ये है पोटेंशियल बैरियर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आप पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं। तो इसको हम कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर को कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। कट इन वोल्टेज का मतलब ये है कि जिस वोल्टेज पे डायोड जो है कार्य करना प्रारंभ कर दे, यानी कार्य करने लगे, वो हमारा कट इन वोल्टेज है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायोड को हम, ये तो हमारा फॉरवर्ड बेस हो गया, जब हम उसको रिवर्स में वोल्टेज देते हैं तो रिवर्स की कंडीशन में वो जितनी वोल्टेज को सहन कर लेता है, रिवर्स की कंडीशन में वो जितनी वोल्टेज को सहन कर लेगा वो उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। रिवर्स की कंडीशन में वो जितनी वोल्टेज सहन कर लेगा वो उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। इट इज द वोल्टेज व्हिच इज एडजस्टेड बाय डायोड इन केस ऑफ रिवर्स बायस। बट अगर हमने उस कैपेसिटी से अधिक वोल्टेज प्रोवाइड करा दिया उसको काम कराने के लिए, तो हमारा डायोड जल सकता है, इट विल ब्रेक आउट। और उससे पीआईडी से जो अलग वोल्टेज आगे जो फ्लो करता है उसमें करंट तो पास कराने लग जाएगा लेकिन वो फूट जाएगा। उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी पोटेंशियल या ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिस पर वो काम करने लग जाए। या मैंने बताया कि पीआईडी से अगर हम अधिक वोल्टेज देंगे तो वो क्या होगा, वो फूट जाएगा। इसी कारण से हम नी पोटेंशियल या ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं।